कर्ज वो भी चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए हम और आप कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। कोई स्मार्ट वर्क तो कोई कठिन परिश्रम करके अपनी जिंदगी को जीता है। जिम्मेदारियों के बोझ तले पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। कभी जरूरत पड़ती है तो किसी से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी को इंसान जीता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश के हर व्यक्ति पर कितना कर्ज है? कितने लाखों कर्ज में देश डूबा हुआ है? पिछले 9 सालों में जो विकास की रफ्तार दिखी है, उसमें सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं? अगर नहीं जानते तो आज जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्च साल 2023 में देश पर कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज बढ़ चुका है, जिसने अब सरकार से लेकर आम जनता की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने सरकार को इस बारे में अलर्ट किया है और कहा है कि सरकार इसी रफ्तार से अगर उधार लेती रही तो देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कर्ज का बोझ इतना हो गया कि वहां के हालात क्या हो गए किसी से छिपे नहीं है। हालांकि IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए मोदी सरकार ने कहा कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, ये हैरान कर देने वाली बात है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में कर्ज 205 लाख करोड़ से ज्यादा है। भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन इधर 9 सालों की बात करें तो मोदी सरकार में कर्ज 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। इससे पहले साल 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। यानी पिछले 9 सालों में मोदी सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल है। अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। साल 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, जो साल 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ। यानी UPA के समय केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2004 में 17 लाख करोड़, 2009 में 31 लाख करोड़, 2014 में 55 लाख करोड़, साल 2019 में 90 लाख करोड़ और साल 2023 के सितंबर तक 161 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। यानी देश के हर व्यक्ति पर 1,40,000 का कर्ज है, जो किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है। सवाल उठता है कि सरकार आखिर पैसा कर्ज लेकर कहां खर्च कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिन पर पैसा खूब खर्च किया जा रहा है, जैसे कि मुफ्त राशन योजना। कोरोना के बाद मोदी सरकार ने हर महीने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज देने की बात कही, जो आगे आने वाले 5 सालों तक और भी मिलता रहेगा, जिससे सरकारी खजाने पर भी असर पड़ा है। इस लिहाज से देखा जाए तो हर साल करीब 1.30 से 1.35 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। इस तरह अगले 5 साल में इस योजना पर सरकार को करीब 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करना होगा। लेकिन खर्च का ये अनुमान मौजूदा भाव पर है। अगर अनाज की कीमत बढ़ती है तो ये बढ़ना तय है, तब ये खर्च और भी ज्यादा होगा। उज्ज्वला योजना की बात करें तो करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जिस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दे रही है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार इस रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। अगर इस योजना को मंजूरी मिल गई तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रकम खर्च करने होंगे, जो कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर साल 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए थे। PM आवास योजना के तहत मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता दे रही है, जिसके तहत सरकार हजारों करोड़ गरीबों को दे रही है, जिससे सरकारी खजाने के साथ कर्ज पर भी असर पड़ा है। आयुष्मान योजना की बात करें तो बेहतर इलाज के लिए सरकार की ओर से आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 5 लाख का इलाज मिलता है। इस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ऐसा दावा किया जाता है कि सरकार 5 लाख को 10 लाख तक बढ़ा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे भी काफी खर्च हो रहा है। योजनाओं के साथ साथ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा खर्च हो रहा है। हाईवे, मेट्रो, विकास की योजनाओं में सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी कई ऐसी योजनाएं चलाती है, जैसे कि मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, मुफ्त यातायात, मुफ्त लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत करोड़ों का कर्ज सरकार पर हो गया है। ऐसा नहीं है कि भारत पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। दावा किया जाता है कि भारत से भी आगे कई ऐसे देश हैं जिन पर कर्ज बहुत है। रिपोर्ट पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश जापान है। ऐसा कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कर्ज लिया जाता है। इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं है। जापान पर 256.9%, इटली पर 154.8%, अमेरिका पर 133.3%, भारत पर 90.6%, पाकिस्तान पर 83.4%, चीन पर 68.9% कर्ज है। ये डेटा
साल 2020-21 के मुताबिक है। विकास की रफ्तार में कर्ज का बोझ आम जन के लिए एक परेशानी से कम नहीं है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी पंचकार ऋषभ कांत ने। स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।